और आज फाइनली भैया फोन करके बोले, मैडम जी खुद का ताला लगवा लीजिएगा। तो आज मुझे लगा कि नहीं, आज घर मुझे जब हैंडओवर हो चुका है, घर कंप्लीटली पूरा, जैसे आप लोगों को दिखाई देना, लाइक सब्सक्राइबर है, दुबई में रहती है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब बहुत मानती है दीदी दीदी बोल के। तो उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे हैं मेरे रिशो के लिए, तो ये न्यू घर के लिए, न्यू घर को भी गिफ्ट मिला है। सबसे पहले क्या करूँ मैं, ऐसा मेरे को लग रहा है पूरा चारों तरफ काम फैला हुआ है, और ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी, ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। मेरा फेवरेट लिपस्टिक, गरीबी में आटा गीला कर दी, ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा हाल बहुत बेहाल है, अभी मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, अभी लगभग आपका 1:23 हुआ है, देखिए 1:23 हुआ है, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। इतना ज़्यादा हाथ पैर दुख रहा है, आप लोगों को क्या बताऊँ, काफ़ी सारा सामान है जो मैं अरेंज कर ली हूँ, अब अकेले अकेले हूँ, रिशु को सुलाई हूँ, उसको सुलाने के बाद फिर बहुत सारे कपड़े धोई हूँ, कपड़े धोने के बाद फिर जितना भी सामान है जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं उसको पूरा जमाई हूँ मैं, और जो मतलब कैमरा रख के जमाऊंगी वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रिशु मैं जहाँ हूँ रिशु वहाँ है ही, गोल 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 घूम रही है चारों ओर चारों ओर, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे बहन अगर होती तो थोड़ा सा आसान हो जाता, खैर वो तो आ जाएगी भी, कोई इशू नहीं है, मेरे पापा मम्मी बहन सब लोग आ जाएंगे, तो तब तक मुझे इतना कर सकती तो मुझे तब तक करना पड़ेगा। अभी पता झंझट ये हो गया कि न्यू घर में पूजा के पहले आप गैस नहीं जला सकते, मतलब आग नहीं जला सकते हो, तो इंडक्शन तो यूज़ कर सकते हैं ना, वो तो करंट से चलता है, मतलब कुछ खाना बना सकते कि नहीं, क्योंकि 10 तारीख को हम सब लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट मतलब 11 तारीख को पूजा है, और 11 तारीख को पूजा एकदम सुबह सुबह 7 बजे होगी। पंडित जी ने दो टाइम दिया था, एक सुबह 7 बजे, एक दिया था दोपहर को 3 बजे, क्योंकि उनके 11 बजे कहीं और मीटिंग फिक्स है, मतलब वो भी आपको गृह प्रवेश का ही दिन है, और 7 तारीख से ज़्यादा शुभ दिन दिन आपका 11 तारीख को है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा दिन है। 7 तारीख को तो आपका अच्छा दिन था ही, क्योंकि उस दिन रात आती है, बट उससे ज़्यादा अच्छा 11 को है, तो पंडित जी बोले जी मैं भूख रहूँगा, तुम लोग बोले दोपहर को 3 बजे बहुत लेट हो जाता है, और सुबह ही एक अच्छा टाइम होता है पूजा करने का, तो हम लोग 7 बजे उनको डन किए हैं। तो इस 3 दिन के अंदर मेरे को मंदिर व उस घर में शिफ्ट करना है, पूरे घर को अच्छे से वॉश करना है, देखिए उन लोग तो साफ कर दिए पूरा घर को, ठीक है पूरे घर को साफ कर दिए हैं, झाड़ू पोछा सब कर दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी खुद से एक बार गंगा जल पूरा छिड़काना है पूरे घर में मुझे, वो सबसे आखिरी में होगा, उसके पहले पूरे घर में मुझे फिर से पोछा लगाना है, 3 दिन लेट बात है, तीनों को अच्छे से साफ करना है, पूरा घर को अच्छे से धोना है, उसके बाद घर में गंगा जल छिटाना है मुझे, छिटाने के बाद देन फिर घर में मंदिर प्रवेश करूंगी, और अभी ऐसे नीचे हम लोग बैठेंगे सब लोग, हवन पूजा तो नीचे ही होगा, तो वहाँ पे मुझे फैन लगवाना है, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी लगती है, उमस भी बहुत लगता है, तो फैन लगवाना, 2 फैन फुल हो चुके, 2 फैन बचा हुआ है, तो अब मैं रिशु को जब ले जाती हूँ, रिशु सामने खड़ी रहती है, अब मैं फैन को ले कैसे जाऊँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, या तो मुझे फैन को ना सामने स्कूटी के सामने रख के रिशु को उसके ऊपर बिठा के फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि रिशु पीछे बैठ के ऐसा ऐसा करके नहीं बैठ सकती है, वो अभी 2.5 साल की है ना, उसको उतना समझ नहीं कि टाइट से पकड़ना है, उसको टाइट वाला पकड़ने वाला उसको नहीं आता है, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अब जैसे इन लोग आएंगे पूजा के 1 दिन पहले, और उसके पहले मुझे फैन लगवाना है, तो कैसे करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, या तो मुझे यहाँ से टेम्पो बुक करके लेके जाना पड़ेगा, फैन वगैरह हर चीज़ कम से कम फैन लग जाए, और जैसे 10 तारीख को हम लोग वहाँ रुकने वाले हैं, तो दो मैट्रेस और फैन, ये चीज़ होना ही चाहिए वहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना बनाना और मतलब चूल्हा वाला चीज़ ना वो आफ्टर पूजा ही बेस्ट रहेगा, भले इंडक्शन क्यों ना हो, है ना, क्योंकि पंडित जी बोले थे जब तक दूध उबाल के उसको थोड़ा सा गिराते नहीं है गैस के ऊपर, उसके बाद आप किचन में तब तक कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि किचन में भी पूजा होती नहीं है, न्यू मतलब घर की पूजा किचन में होगी, फिर वहाँ पे कुछ कुछ करते हैं रूल रेगुलेशन, बता रहे थे पंडित जी ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा मैं जब घर में थी, जब हमारे घर की पूजा हुई थी
उस समय मैं जैसे देख नहीं पाई थी क्योंकि यीशु बहुत परेशान कर रही थी। गर्मी का समय था, जून का महीना था, और सब लोग मतलब आकर यीशु को पकड़ रहे थे, बहुत इरीटेड हो रही थी। तो इस बार पहली बार मैं किसी गृह प्रवेश की पूजा अटेंड करूँगी, अभी खुद के घर की गृह प्रवेश की पूजा, बहुत खुश हूँ। और आज फाइनली भैया फ़ोन करके बोले, मैडम जी खुद का ताला लगवा लीजिएगा। तो आज मुझे लगा कि नहीं, आज घर मुझे जब हैंडओवर हो चुका है, घर कम्प्लीटली पूरा, जैसे आप लोग को दिखाई देना लास्ट ब्लॉग में कि शीट बचा हुआ है, तो शीट लग चुका है, बेसिन भी लग चुका है। तो कल मुझे जाना है फैन लेके और दो ताला लेके जाना पड़ेगा, एक मेन गेट के लिए, बाहर के गेट के लिए। तो ये दो ताला मुझे खरीदना पड़ेगा, तो जाते जाते दो ताला खरीद लूँगी और देखती हूँ अगर फैन लेके यीशु को सामने बिठा पाई तो बेस्ट है, अगर नहीं बिठा पाई तो मुझे टेम्पो बुक करके जाना पड़ेगा। या फिर अगर प्रीति तो आएगी, शायद बोली थी, पता नहीं, अगर प्रीति आती है ना, तो उसके गाड़ी में दो वो रखवा दूंगी मैं, रिश्तों को सामने खड़े कर, देखती हूँ कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा करना सही रहेगा, वो मैं कर लूँगी क्योंकि ये एकदम ज़रूरी चीज़ है। फिर मुझे फूल का ऑर्डर देना है। सबसे अच्छा चीज़ पता है, मैं बता रही हूँ, कल जाऊँगी भैया का ताला भैया को दे दूँगी, मेरा ताला लगा दूँगी घर मेरा, उसके बाद घर पूरा घर को अच्छे से फिर से धुलवाऊंगी, डेटॉल वेटोल से अच्छे से धुलवाऊंगी, फिर घर में गंगा जल छिड़काऊंगी, फिर ले जाऊंगी मंदिर। मंदिर शिफ्ट हो गया घर में, देन पंखा लग गया घर में, मैट्रेस चला गया घर में, बेडशीट और आपका क्या बोलते हैं रजाई और तकिया, ये उस घर में चला गया। ताला मार के मैं आ गई, ठीक है, और इंडक्शन नहीं लेती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ। तो वहाँ पे जो नहा नहाना होगा, वहाँ पे सुबह 11 बजे सब नहावा के, पंडित जी पड़ोस में रहते हैं हमारे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में उनका घर है, उसी मोहल्ले में रहते हैं, थोड़ा सा आगे जाके। तो पंडित जी सुबह आ गए और उसके एक दिन पहले मुझे सारे फूल लेके आना है, गेंदा फूल वगैरह हर चीज़ लेके आना है पूरा घर को सजाने के लिए। हर चीज़ मैं भी आप लोग से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। फिलहाल तो अभी सब चीज़ें मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। और मेरे पेरेंट्स जो है, जो पूजा के लिए जो ज़रूरी सामान है, सामग्री है, सब पखानूर से खरीद के लेके आएंगे। बोले तू कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ भागते रहेगी, क्या क्या खरीदेगी, और यीशु को लेके जाना, हर चीज़ खरीदना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि मुझे रोज़ घर में जाके घर का काम देखना पड़ा, दो तीन तीन टाइम जाती हूँ, बट घर रोज़ जाने का ब्लॉग्स में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद लोग अगर रोज़ सेम सेम चीज़ें देखेंगे आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब सीधा आप लोगों को दिखाऊंगा घर में जब पंखा लगेगा, क्योंकि पंखा मैं कल ही लगवाने वाली हूँ, और बाई चांस अगर मैं कल नहीं लगवा पाई तो परसों तो पक्का लग जाएगा, मतलब उन लोगों के आने के पहले मुझे पक्का लग जाएगा। ये हो चुका है राधा ऋषि, थोड़ा धीरे बात करती हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, दुबई में रहती है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब बहुत मानती है दीदी दीदी बोल के। तो उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे हैं मेरे ऋषि के लिए, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड थैंक यू आप सभी को जो आप सब इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे गिफ्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बट उन्होंने भेजा है प्यार से। सबसे स्टार्टिंग में दिखाती हूँ ये प्यारा सा क्यूट सा चश्मा, ये आप लोग देखे होंगे, फिलहाल दो बार मुझे पहने हुए ये चश्मा है। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा चश्मा है। तो ये आपका ना मिरर वाला है, जो मैंने उन्होंने बोला है कि जो धूप की रोशनी से जो आते हैं हानिकारक किरणें, और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। और ये रिशो के लिए प्यारा सा क्यूट सा बैग इन्होंने भेजा हुआ है, उसके लिए भी थैंक यू। अच्छा, जिससे तो स्कूल जाएगी ही, और हमारे घर के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, ये न्यू घर के लिए, न्यू घर को भी गिफ्ट मिला है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। रोशनी यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ये देखिए उन्होंने ये दिया है कि दी आप अपने यू घर में रखना शोपीस की तरह, तो इसमें ज़रूर रखूँगी, जहाँ पे मैं मेरा बिजनेस वगैरह रहेगा ना वहाँ पे मैं इसे रखूँगी, बहुत ज़्यादा प्यारा है, थैंक यू सो मच।
तो ये जो सब्सक्राइबर ये दुबई में रहती है और हमारे ब्लॉग्स डेली मतलब कंटिन्यू वॉच करती है और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मुझे देती है। वैसे भी जितनी मेरी सब्सक्राइबर है सब लोग बहुत अच्छे अच्छे मुझे सजेशन देते हैं और मैं सबकी बातें सुनती हूँ। और ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे मतलब बोलते ना एक मिसगाइड करना, मुझे कभी किसी ने भी मिसगाइड नहीं किया है, हमेशा सबने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, बेटी समझ के, बहन समझ के, दीदी समझ के, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा आप लोग के और ज़्यादा करीब लाती है। और अभी तो मैं सोऊंगी नहीं, अभी भी जब तक मुझे नींद ना आए, क्योंकि देखिए अभी मुझे कम से कम 1 महीना तो पूरा लगेगा, 1 महीना नहीं लगेगा बताइए, 1 महीने में भी मुझे पूरा लगेगा, पूरा घर, अब एक एक सामान, मतलब मेरे घर में ना बड़े सामान नहीं है लेकिन छोटे सामान इतने हैं ना, मैं क्या बताऊँ। और काफ़ी सारा मैसेज मुझे भर जा रहा है कि दी अब साड़ी कब लाओगे, साड़ी कब लाओगे, साड़ी कब लाओगे। तो साड़ी तो इस मंथ पॉसिबल नहीं है, जुलाई के महीने में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ला सकती। अगस्त के महीने में पापा ने बोला है कि तू टेंशन मतलब मैं हूँ, तो मेरे से जितना बनेगा मैं तुझे दूंगा। ज़रूरी नहीं कि मुझे 40 या 50 थाउजेंड का ही सामान लाना है, हो सकता है कि मैं 15 हज़ार का ही साड़ी वगैरह लाऊँ, कम रहेंगे क्वांटिटी में लेकिन उसी से मैं स्टार्ट करूँगी। तो अगस्त के महीने में स्टार्टिंग में, अगस्त के महीने का स्टार्टिंग में मैं फिर सामान लाऊँ, क्योंकि पापा ने मतलब थोड़ा सा सपोर्ट दिया कहीं ना कहीं मुझे कि तू टेंशन मत ले, जो तेरा अच्छा चल रहा है अब तू उसको बंद रखेगी तो कहीं ना मुझे नुकसान ना हो जाए करके। तो पापा ने कहा हम है, टेंशन मत लियो। एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर ने मुझे पता है क्या बोला, आप लोगों को मैं शेयर कर चुकी थी कि मेरा इस साल डिवोर्स होने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट किया, बहुत अच्छी तरह से भी मैं बोली, क्योंकि अब तक किसी ने भी नहीं बोला डिवोर्स वर्स के बारे में कब होगा, बट वो मुझे कह रही इस साल के एंडिंग में हो जाएगा करके, तो मैं उनको कुछ जवाब नहीं दी। आज मैं घर में सामान गुछा रही थी, ठीक है, तो रिशु मेरे आस पास खेल रही थी, तो मैं उसको बोली बेटा थोड़ा सा दूर जाओ यहाँ पे, क्योंकि गंदगी वंदी की था ऑब्वियस सी बात है। वो चेयर लेके आके वो जो रैक है वहां पे गई, मेरा 3 लिपस्टिक था उसके ऊपर, तीनों लिपस्टिक पकड़ी। और जो शेड आप लोग को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा पर्पल वाइन कलर का, वो शेड पूरा खराब कर दी रिशु, बताइए। 3 लिपस्टिक था, एक पिंकी शेड था, एक पिंक था और एक मेरा आप लोग का जो फेवरेट कलर, जो आप लोग इतना पूछे मेरे को, तीनों लिपस्टिक खराब कर दिया। आप लोग मैं दिखाती हूँ, और मेरे को इतना रोना है, मैं उसको डांटी भी नहीं, कुछ भी नहीं बोली, क्या बोलूँ बताइए, अकेला बच्चा क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, उसको समझ भी नहीं है। है ये देखिए ओलिविया 29, जो आप लोग मेरे से एकदम पूछते मेरा फेवरेट लिपस्टिक, गरीबी में आटा गीला कर दी। ये देखो ये हाल की लिपस्टिक का, और आप लोगों को पता ये इतना बड़ा ही उतना ही है, जबकि इतना ऊंचा था, इसका आधा यहाँ है दिख रहा होगा कि आप लोगों को पता नहीं, इसका आधा यहाँ, इसको इतना ऐसे ऐसे कि निकल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है टूट जाएगा। ये देखिए टूट के निकला है, पूरा लिपस्टिक गया मेरा ना, प्यारा कलर है। क्या बताऊं, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। और इसका देखिए बच्चे मन के सच्चे हैं, सारे जगह के दीप के तारे, इसका कुछ नहीं बचा है ये, और खुद पूरा भूत बन गई थी, क्या बताऊं मैं। ये 3 लिपस्टिक ही थी मेरे पास, बाकी बहन ले गई, नहीं तो वो भी जाता, और तीनों लिपस्टिक मेरा गया है, जिसको बोलते हैं गरीबी में आटा गीला होना। और उसका अगर आप लोगों को मैं फोटो वीडियो दिखा पाती, आप लोगों का सबका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता। उफ, चलिए मैं जाती हूँ, ताकि जो मेरा पेंडिंग काम है करना पड़ेगा, टाइम कितना बचा पता नहीं, 2 बज गया, 2 बज गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं बताइए, काम तो मुझे करना पड़ेगा। और मेरा भी 1 महीना ऐसे ही जाने वाला है ना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, पता नहीं कब सोऊंगी कब उठूंगी। और सर दर्द बस ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सर दर्द अगर हुआ तो मैं पागल हो जाती। तो प्रीति मुझे वही बोल रही थी, आपको जो करना है करो लेकिन अपना सर दर्द मत करवाना, क्योंकि मेरे साथ वो सर दर्द में 2 दिन रह चुकी है,
वो बेचारी रात के 12:30 से 3:30 बजे तक मेरा सर दबाई है, पता है आप लोग को, सर दबाई और बाल खींची है ना, सर दर्द। वो मतलब वो क्या है ना कि मेरे जब सामने थी तो वो प्रैक्टिकल उस चीज को देखी, लाइव देखी डेमो की मैं कैसे करती सर दर्द में, मतलब कितना भी जोर से मेरा बाल खींच रही है, मेरे को कोई असर नहीं हो रहा है, इतना पेन था। बोलती मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को डर लग रहा था कि अब खींच रही हूँ तो पूरा उठ ना जाए करके, और एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रही थी सर दर्द से, ऐसा सोच से सर पटक रही थी। कोई बोलती कुछ भी करो सर दर्द मत करो, तो पहले क्या करूं मैं, ऐसा मेरे को लग रहा है पूरा चारों तरफ काम फैला हुआ है, और ब्लॉग बनाना बहुत जरूरी, ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और मेरे लिए अभी फिलहाल यही है एक इनकम का सोर्स, क्योंकि बिजनेस अभी बंद है मेरा, तो इसमें फोकस करना है। कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट ब्लॉग डालूँ, दो दो ब्लॉग डालूँ, नहीं कर पा रही हूँ, 2 दिन से एक 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 ब्लॉग अभी बहुत लेट 1 बजे के आसपास आया है। कोशिश करूंगी कि 10 से 11 के अंदर डालूँ, फिर शाम को 7 बजे डालूँ, और आप लोग शेयर ज़रूर करना मेरे ब्लॉग्स को, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। अभी तो ये ब्लॉग सुबह आने वाली है, बट मैं अभी आप लोग को गुड नाइट बोल रही हूँ, जाती जितना बात करूंगी उतना मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे, अपना खूब अच्छा वाला ध्यान रखें। बाय बाय।